वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पीएच के बारे में बताऊंगा और इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, इससे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, पीएच क्या होता है और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी हल करेंगे। तो हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पीएच क्या होता है। तो पीएच किसी विलयन में उसकी अम्लता या क्षारकता मापने की एक माप होती है। यह हम कह सकते हैं कि पीएच मूल्य किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने की एक इकाई है। इसकी दूसरी परिभाषा होती है, पीएच मूल्य हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगुणक होता है। तो ये इसकी परिभाषा होती है। तो पीएच नापने के लिए एक पीएच स्केल की आवश्यकता होती है, हमें इसे हम पीएच पैमाना भी कहते हैं। इसमें 1 से 14 अंक होते हैं, जिनसे हम अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का पता कर सकते हैं। किसी विलयन की क्षारीय या अम्लीय प्रकृति का पता करने के लिए हम पीएच स्केल का उपयोग करते हैं, जिससे हम किसी भी विलयन की अम्लता या क्षारकता माप सकते हैं। किसी विलयन का पीएच मान यदि 7 हो तो वह विलयन उदासीन कहलाता है। यदि 7 से कम हो तो वो अम्लीय होता है। जितना विलयन का मान कम होगा उतना ही वे प्रबल अम्लीय होता है, प्रबल अम्लीय। इसी प्रकार यदि 8 से 14 के बीच है तो उसकी प्रकृति क्षारीय होगी और जितना पीएच मान अधिक होगा, 8 से जितना अधिक होगा, जितना बढ़ता जाएगा उतना ही वे प्रबल क्षारीय होता है। आपको यह ध्यान रखना जरूरी है। मैंने पीएच की परिभाषा आपको बता दी और पीएच स्केल भी बता दिया है ये किस प्रकार से काम करता है। आपको बस ध्यान ये रखना है कि यदि पीएच मान 7 है तो वह उदासीन होगा और 7 से कम है तो अम्लीय और 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इस प्रकार के प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि इसकी प्रकृति बताइए कि ये क्षारीय है या अम्लीय है या उदासीन है। तो आपको ये जरूर याद रखना है। तो अब इसके कुछ न्यूमेरिकल सवाल देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, पीएच के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। तो पहला फॉर्मूला इसमें है, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग और एच प्लस। ये फॉर्मूला आपको लिख लेने हैं और याद भी कर लेने हैं। और एच प्लस प्लस ओ एच माइनस इक्वल टू 1 × 10⁻¹⁴। तो इससे हम 3 सूत्र बना सकते हैं, ओ एच प्लस ओ एच माइनस बराबर 1 × 10⁻¹⁴। और यदि हमें इसमें एच का मान निकालना हो, एच प्लस का मान निकालना हो, तो हम इसको इस ओ एच माइनस को यहां भेजेंगे तो ये भाग में हो जाएगा। तो एच प्लस बराबर होता है 1 × 10⁻¹⁴। ये ओ एच माइनस इसके बटे में आ जाएगा, ये बना तीसरा सूत्र। अब इसी से हम चौथा सूत्र भी बना लेते हैं। यदि हमें ओ एच माइनस निकालना है तब क्या होगा, 1 × 10⁻¹⁴। अब ये एच प्लस इसके बटे में चला जाएगा, एच प्लस।
तो ये सूत्र आपको नोट करके रख लेने हैं, इन्हीं से सभी न्यूमेरिकल हल करेंगे। तो आइए अब कुछ क्वेश्चनों की ओर चलते हैं, उन्हें हल कर देते हैं। पहला प्रश्न है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10^-8 मोल है, यानी इसमें H प्लस दिया गया है। यदि हाइड्रोजन आयन बोले तो हाइड्रोजन आयन होता है H प्लस, हाइड्रोजन आयन। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, यदि हाइड्रोक्साइड आयन बोलता है तो वो होता है OH-, ये होता है हाइड्रोक्साइड आयन। तो यदि हाइड्रोजन आयन लिखा हो तो H प्लस, और हाइड्रोक्साइड आयन हो तो OH-। तो हम अभी H प्लस ही ले लेते हैं। तो इसका मान दिया है यहाँ पे, H प्लस का मान दिया है 10^-8। तो हम इसे मोल प्रति लीटर में लिख लेते हैं, अगर मोल भी दिया तब भी हमें मोल प्रति लीटर में ही लिखना है। तो हमें इसका पीएच मान ज्ञात करना है, पीएच मान, और इसकी प्रकृति भी बतानी है, प्रकृति क्या होगी। तो प्रकृति मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले हम सवाल हल कर लेते हैं उसके बाद हम प्रकृति निकालते हैं। तो पीएच बराबर क्या होता है, माइनस लॉग और एच प्लस। तो पीएच बराबर माइनस लॉग, और ये H प्लस का मान हमें पहले ही पता है, 10^-8 दी गई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस की घात 8 है इसे उठाकर हम लॉग से पहले ले आते हैं, तो ये क्या होगा, माइनस 8 है और माइनस लॉग है, तो क्या होगा, प्लस का 8 होगा यहाँ पे, प्लस का 8 लॉग 10 बचाए। तो हमें पता है कि लॉग 10 का मान क्या होता है, 1, और यदि लॉग 100 हो तो ये 2 होता है, और लॉग 1000 हो तो ये 3 होता है। बस हमें ध्यान ये रखना है कि 1 के आगे जितनी भी जीरो हो उसका मान उतना ही होगा। तो ये लॉग 10 जो है इसका मान क्या हो जाएगा, 1, तो 8 × 1 = 8। तो पीएच बराबर क्या हुआ हमारा, 8। अब हमें ये देखना है 8 क्षारीय होता है या अम्लीय होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है। तो इसकी प्रकृति होती है, क्योंकि ये 7 से अधिक है इसलिए इसकी प्रकृति भी क्या होगी, क्षारीय होगी, प्रकृति होगी इसकी क्षारीय। यदि 7 से कम होती तो इसकी प्रकृति होती अम्लीय। तो यहां तक आपके समझ में आया, यदि आपको किसी सवाल में डाउट हो या इस प्रश्न से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए एक सवाल और ले लेते हैं, दूसरा सवाल ले लेते हैं, किसी विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण, किसी विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 10^-11 मोल प्रति लीटर है। मैंने पहले ही बताया था कि हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण क्या होता है, OH-। OH- कितना है,
10^-11, ये मोल लीटर है। मोल प्रति लीटर है। तो विलयन का पीएच मान ज्ञात कर रहे हैं और इसकी प्रकृति भी बतानी है। तो पीएच मान क्या होगा और इसकी प्रकृति भी बतानी है क्या होगी। तो हमें पता है पीएच बराबर क्या होता है, माइनस लोग और एच प्लस। हमें यहां एच प्लस का मान नहीं पता है तो इस एच प्लस को हमें पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें ओ एच निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें पता है कि एच प्लस और ओ एच माइनस क्या होता है, 1×10^-14। तो हमें क्या जरूरत है H प्लस की, तो हम H प्लस निकाल लेते हैं, क्या होगा 1×10^-14 बटे ओ एच। ओ एच का मान कितना है यहाँ पे, 10^-11 है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1×10^-11। तो अब यहां पे हमें इसे सोल्व करना है। तो यहां कैसे होगा, ये जो 10^-11 है इसे हम ऊपर पहुंचा देंगे, यानी इसकी गुना हम ऊपर कर देंगे। तो कैसे होगी इसकी गुना, ये यहाँ पे माइनस का है तो ऊपर जाने के बाद क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। ये -11 ऊपर जाने के बाद प्लस का होगा, तो कितना होगा ये, 1×10^-14 और गुना 1×10^11। ये माइनस का था तो ये ऊपर जाने के बाद प्लस का हो गया है। तो कितना होगा ये, 1×1 ही होता है, इसे हम चाहे तो लिख भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ क्या होगा, -14 में से -11 घटा देंगे तो कितना होगा, 10^-3। तो हमें मिला H प्लस 1×10^-3। तो pH बराबर क्या होगा, माइनस लोग, यहाँ पे H प्लस, H प्लस क्या है, 10^-3। इस 3 को हम आगे ले आएंगे तो क्या होगा, प्लस का 3 हो जाएगा, ये 3 log 10। हमने पहले ही बताया था कि लोग 10 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो कितना होगा, 3×1 बराबर क्या होगा, 3 ही होगा। लोग 10 का मान जो होता है वो 1 ही होता है, तो 3×1 बराबर 3 ही होगा। तो इसका पीएच मान हमें मिला 3। तो इसकी अब प्रकृति बतानी, जब पीएच मान 3 है, पीएच बराबर 3 है, तो इसकी प्रकृति क्या होगी, इसकी प्रकृति हुई अम्लीय, क्योंकि ये 7 से कम है, इसलिए इसकी प्रकृति अम्लीय होगी। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आपकी पीएच मान अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको मेरी आने वाले हर एक वीडियो की नई नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहेगी।